हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कि आप हम अपने ही घर में करेला कैसे उगाते हैं और बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो इसको हमने अक्टूबर में लास्ट महीना में डायरेक्ट ही बीज अपने किचन से लाके ग्रो कर दिए थे और इसका रिजल्ट अभी हमको मिला है। अभी 2 दिसंबर है तो ये 60 दिनों में पूरी तरह तैयार हो गया है। और इसको आप हम जो अपने बीज ला के डायरेक्ट ही इसको ग्रो किए थे। और यह जो है सो देखिए इतना ऊपर ये आ गया है, ज़्यादा बेल नहीं है लेकिन ये बहुत ही फलने लगा है। इस तरह देख रहे हैं, इसकी 2 बेल हैं और ये कम ही बेल में इतना ज़्यादा फलने लगा है। देखिए और यह इतना और बहुत सारे हैं, नहीं कम से कम 25 वो इस तरह का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको जो है से थोड़ा सा सपोर्टिंग चाहिए जो इसको सहारा मिले, तो लतरता है ज़्यादा। तो हम इसको पहली बार अपने कंटेनर में अपने छत पे लगाए हैं। इस तरह इतना बड़ा कंटेनर है जो मछली का आता है उस तरह का एक कंटेनर है, तो इतना बड़ा में हम लगा दिए हैं और ये बहुत ही फलता है। और ये हरा वाला है, ये हरा वाला है और अभी चल रहा है 9 दिसंबर, तो इसको धूप ज़्यादा चाहिए। और इस ये ऐसा है जो आप छोटा सा भी 12 इंच 18 इंच का कंटेनर है उसमें भी आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए ज़्यादा आपको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप जो हैं सो इसको फर्टिलाइज़र हर 15 या 20 दिन पर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है या बर्मी कंपोस्ट होता है तो आप उसके गुड़ाई करके जड़ों में आप दे सकते हैं। और इसका जो है मेंटेनेंस जो है आप ज़्यादा इसका हम एक दिन भी नहीं इसको ऊपर से स्प्रे किया, कोई भी कीड़ा भी नहीं लगा हुआ है। और हाँ, इसका अगर ज़्यादा पानी अगर पड़ जाता है तो इसका फल देखिए इस तरह ये पीला होके इस तरह इसका पीला होके ये सड़ने लगता है, तो लगता है कि ज़्यादा पानी पड़ गया है। और अभी जो है सो धूप कम आती है लेकिन ऊपर है छत पे तो बहुत ज़्यादा धूप आती है। इसको धूप कम से कम 8 से 7 घंटा ज़रूर चाहिए। तो आप जो है सो अपने ही किचन से ज़्यादा अगर करेला इतना ईजी है जो आप छोटा से लेके बड़ा कोई भी कंटेनर में आप उगा सकते हैं। और इसको उगाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इस तरह पहला बार इसी में उगाए हैं तो देखें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसमें हम पहले जो है सो शिमला मिर्च रोपे हुए थे तो देखिए कि 2 शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च ख़राब हो गया और ये दूसरा शिमला मिर्च था तो ख़राब हो गया, तो इसको पूरा जगह था तो हम इसी में इसको ग्रो कर दिए करेला को, तो बहुत अच्छा हो गया। इसको साइड में हम प्याज भी डाल दिए थे कि साइड जगह ज़्यादा था तो देखें कि हो जाएगा, तो इसमें हम ऐसे इस तरह कर दिए थे। इसका हम अगर इसमें कीड़ा उड़ा लग जाता है तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र या नीम का जो पानी होता है उसको हम खोला के इसको स्प्रे कर देंगे, लेकिन हम एक बार भी नहीं किए। और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।